हेलो स्टूडेंट्स, मैं गोपाल जाट सैनिटेशन अजीतगढ़ से। हम क्लास ट्वेल्थ की फिजिक्स में चैप्टर टू पढ़ रहे थे, एप्लीकेशन ऑफ गॉसेज लॉ के बारे में पढ़ रहे थे। हमने एप्लीकेशन ऑफ गॉसेज लॉ जो थे वो सारे कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे डिस्कस करेंगे, जिसमें जो पहला एग्जांपल है एग्जांपल नंबर 2.14। इसमें आपको दे रखा है, देखो, ए कंडक्टिंग स्फेयर ऑफ 10 मीटर रेडियस इज गिवन 1 माइक्रो कूलम चार्ज। आपको एक कंडक्टिंग स्फेयर दे रखा है और इस कंडक्टिंग स्फेयर को 1 माइक्रो कूलम चार्ज यहाँ पे दिया गया है और इसकी रेडियस दे रखी है 10 मीटर। नेक्स्ट है डिटरमाइन इलेक्ट्रिक फील्ड। इसमें देखो पूछा क्या है, देखो डिटरमाइन इलेक्ट्रिक फील्ड एट इट्स सेंटर। जो कंडक्टिंग स्फेयर है, कंडक्टिंग स्फेयर के सेंटर पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है। सेकंड पार्ट है इसमें 0.5 सेंटीमीटर फ्रॉम सेंटर, यानी कि जो कंडक्टिंग स्फेयर है उसके सेंटर से 5 सेंटीमीटर दूर एक पॉइंट पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है। सी पार्ट है इसका एट 0.10 सेंटीमीटर फ्रॉम सेंटर, सेंटर से 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे हमको क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है। लास्ट पार्ट है एट 0.15 सेंटीमीटर फ्रॉम सेंटर इन एयर। इसमें दे रखा है जो पॉइंट है वो सेंटर से 15 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे है और सारे केसेज में जो है मीडियम जो है वो एयर लिया गया है, यानी वैक्यूम हम कंसिडर करके चलते हैं। तो ये हमको देखना है। अब इस क्वेश्चन के लिए सबसे पहली चीज़ एक कंडक्टिंग स्फेयर की बात करेंगे। तो कंडक्टिंग स्फेयर के लिए हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो डेरिवेशन है वो हमने डिराइव किया था, तो उसका जो रिजल्ट आया था वो मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। अगर हम किसी कंडक्टिंग स्फेयर की बात करें, जैसे ये एक कंडक्टिंग स्फेयर है, कंडक्टिंग स्फेयर को जब हम चार्ज करते हैं तो सारा का सारा चार्ज उस कंडक्टिंग स्फेयर के सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। कंडक्टिंग स्फेयर के अंदर कोई भी चार्ज नहीं रहता है। अब हम अंदर कोई चार्ज नहीं रहता है, इसका मतलब है अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है फॉर कंडक्टिंग स्फेयर। अब हमने कुछ केसेस देखे थे, एक केस हमने देखा था आउटसाइड द कंडक्टिंग स्फेयर। अगर पॉइंट कंडक्टिंग स्फेयर के बाहर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमने फाइंड की थी। यहाँ देख लो आप, ई आउट इक्वल्स टू हमने क्या देखा था, वो हमने देखा था के क्यू अपॉन 1/4πε0। के की वैल्यू को हम रख देते हैं और इस पे जो चार्ज है, जैसे मान लो इसमें चार्ज कितना है, क्यू चार्ज, तो ये हो जाएगा क्यू और अपॉन में यहाँ पे क्या आएगा, अपॉन में जो है आर स्क्वायर आता है। ठीक है, ये हमको ध्यान रखना है, या के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। आर क्या है यहाँ पे, आर इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम द सेंटर ऑफ कंडक्टिंग स्फेयर। ये पहला केस। सेकंड केस में हमने देखा था अगर पॉइंट जो है वो सरफेस पे लाई कर रहा है, ऑन द सरफेस अगर होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ई सरफेस जो है वो क्या होगा, 1/4πε0 क्यू अपॉन, सेम ऐसा ही आएगा बट डिस्टेंस ऑफ पॉइंट जो है वो क्या होगी, यहाँ पे डिफरेंट हो जाएगी, क्या होगी, ये डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस क्या है, ये रेडियस है, और हम यहाँ पे रेडियस को जैसे कैपिटल आर ले सकते हैं, तो स्मॉल आर की जगह यहाँ पे क्या जाएगा, कैपिटल आर, यानी कि ध्यान रखना है डिस्टेंस जो है वहाँ पे रेडियस के इक्वल है। थर्ड केस में हमने देखा था कि अगर पॉइंट इनसाइड द कंडक्टिंग स्फीयर है तो अंदर हमने क्या देखा था, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जीरो होता है, ई इन इक्वल्स टू क्या होता है, जीरो। ये तीन केस हमने देखे थे, तो आपको ये अच्छे से आना चाहिए, आपको समझ में आ जाएगा ये। ठीक है, तो मैं इसको रफ कर देता हूँ, आगे हम देखते हैं। यहाँ पे फर्स्ट केस की बात करते हैं अपन, केस वन। केस वन क्या है, सेंटर पे निकालना है। देखो सेंटर पे निकालने का मतलब क्या है, स्मॉल आर जो है वो क्या होता है, जीरो। स्मॉल आर का मतलब क्या है, जिस पॉइंट में हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल रहे हैं उसकी कंडक्टिंग स्फीयर के सेंटर से डिस्टेंस। अगर पॉइंट सेंटर पे ही होगा तो उसकी सेंटर से डिस्टेंस क्या होगी, जीरो होगी। अब स्मॉल आर जीरो हो गया डिस्टेंस, अब ई सेंटर क्या होगा यहाँ पे, ये हमको देखना है। तो ई सेंटर
कैसे निकालेंगे? अगर हम बात करें ये पॉइंट जो है स्मॉल आर, जीरो होने का मतलब सेंटर पॉइंट जो है वो कहाँ पे है? कंडक्टिंग स्फीयर के इनसाइड है, अंदर है, और अंदर हमने देखा था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है? जीरो होती है, ठीक है। केस टू की बात करते हैं, सेकंड केस क्या है? सेकंड केस दे रखा है 0.5 सेंटीमीटर फ्रॉम सेंटर, यहाँ पे स्मॉल आर क्या है? 5 सेंटीमीटर है, यानी कि पॉइंट की डिस्टेंस जो है वो 5 सेंटीमीटर गिवन है, ठीक है, सेंटर से। अब यहाँ पे कैसे पता करेंगे ये पॉइंट कहाँ लाई कर रहा है? तो उसके लिए यहाँ पे कंडक्टिंग स्फीयर की रेडियस हमको गिवन है, तो इससे रेडियस से पता चलेगा। रेडियस देखो कितनी गिवन है, आर इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर। ये क्या है यहाँ पे देखो, ये सेंटीमीटर में आना चाहिए ना, 10 सेंटीमीटर। तो 10 सेंटीमीटर रेडियस दे रखी है, तो आप देखो पॉइंट कहाँ होगा। अगर पॉइंट की डिस्टेंस रेडियस से कम है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि स्मॉल आर जो है वो रेडियस से कम है, इट मीन्स पॉइंट जो है वो कंडक्टिंग स्फीयर के इनसाइड ही है, अंदर ही लाई कर रहा है। तो ई इन क्या होगा, ई इन क्या होगा? ज़ीरो होगा, क्योंकि हमने देखा था अंदर कोई चार्ज नहीं होता, और चार्ज नहीं होता तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज़ीरो आई थी। अब हम बात कर लेते हैं केस थर्ड की। केस थर्ड क्या है? एट अ पॉइंट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम सेंटर। तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखोगे तो 10 सेंटीमीटर इसकी रेडियस भी है कंडक्टिंग स्फीयर की, तो स्मॉल आर इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर दे रखा है, और रेडियस जो है वो भी 10 सेंटीमीटर। इसका मतलब पॉइंट कहाँ लाई कर रहा है? पॉइंट जो है वो लाई कर रहा है कंडक्टिंग स्फीयर की इस सरफेस पे लाई कर रहा है। तो इस केस में हम क्या करेंगे बताओ? तो यहाँ पे हम जो फॉर्मूला अगर हम देखें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, ई सरफेस क्या होगा? वो हो जाएगा 1/4πε0 क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर हम यहाँ पे लेते हैं। यहाँ पे वैल्यूज़ पुट कर देते हैं अपन। ई सरफेस 1/4πε0 वैक्यूम की बात कर रहे हैं अपन, इसकी वैल्यू कितनी होगी? 9×10⁻¹। अगर इसकी यूनिट की बात करें तो यूनिट क्या होती है इसकी? इसकी यूनिट होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ठीक है, इंटू चार्ज। चार्ज गिवन है क्या? चार्ज दे रखा 1 μC, तो क्यू माइक्रो में है तो इसको चेंज करेंगे 10⁻¹⁶ हो जाएगा, ठीक है, कूलम में हो जाएगा ये ना। और नीचे जो है आर स्क्वायर, आर कैपिटल आर है, कैपिटल आर क्या? रेडियस ऑफ कंडक्टिंग स्फीयर, वो कितनी है? 10 सेंटीमीटर है। अब इसको मीटर में चेंज करना पड़ेगा अपन को, तो 10×10⁻², ये मीटर में हो जाएगा। देखो जब सेंटीमीटर को मीटर में बदलते हैं तो 100 से डिवाइड करते हैं, या हम बोले 10⁻²² से मल्टीप्लाई करते हैं, ये इसका स्क्वायर करेंगे यहाँ पे। अब इसको सोल्व करते हैं अपन, ई सरफेस इक्वल्स टू क्या होगा? तो देखो 10⁻⁶, 10⁻⁹ है, तो ये पावर ऐड हो जाएंगी, तो 9−6 कितना रहेगा? ये प्लस का 9 है, ये माइनस का 6 है, तो प्लस का 3 रह जाएगा, तो 9×10³ ऊपर रिमेनिंग पार्ट, ठीक है। अब हम बात करें नीचे वाले पार्ट की, तो स्क्वायर करना, 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 100 मतलब 10⁻², 10⁻²² का स्क्वायर 10⁻⁴ हो जाएगा, क्योंकि 10⁻²×10⁻²² करेंगे तो पावर ऐड हो जाएंगी, −2 −2 प्लस, माइनस का 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो 10⁻³ है, 10⁻², तो यहाँ पे ये कैंसिल होगा, तो क्या रह जाएगा यहाँ पे? 10⁻¹ रह जाएगा, तो 9×10 और डिवाइड में 10⁻⁴, 10⁻⁴ जब डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर में जाएगा तो पावर का साइन क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है, तो माइनस का 4 ऊपर जाके प्लस का 4 हो जाएगा, तो 10⁻⁴ और 10⁻⁹ कितना हो जाएगा? 10⁻⁵ हो जाएगा, तो हमारे पास क्या जाएगा? 9×10⁵, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? न्यूटन पर कूलोम, इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, इसको आप पॉज करके नोट कर लो। अब इसमें जो फोर्थ पार्ट है वो आपको दे रखा है कि अगर पॉइंट सेंटर से 15 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे लाई कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? पॉइंट जो है वो स्फीयर से बाहर है, आउटसाइड द स्फीयर है, क्योंकि यहाँ पे रेडियस जो है वो 10 सेंटीमीटर है, तो इसका मतलब है हम बोल सकते हैं कि डिस्टेंस जो है रेडियस से
ग्रेटर देन, बड़ी है ना, आर इज स्मॉल, आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर। तो इस केस में हम क्या करेंगे, ई आउट, बाहर की तरफ जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी आउटसाइड द स्फीयर वो क्या होगी, 1/4 πε0 क्यू अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर, ये होगा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, देखो ई आउट इक्वल्स टू, हम लिख सकते हैं इसकी वैल्यू कितनी होगी, फॉर एयर, एयर के लिए हम बोल सकते हैं कि 1/4 πε0 9×10⁻⁹, यूनिट निकालोगे तो इसकी यूनिट क्या होगी, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। चार्ज कितना है, 1 μC, माइक्रो को चेंज करेंगे तो 10⁻⁶ हो जाएगा, डिवाइड स्मॉल आर, स्मॉल आर डिस्टेंस कितनी 15 cm, इसको मीटर में चेंज करेंगे तो 15 × क्या हो जाएगा, 10⁻², होगा ये मीटर में चेंज हो गया, और इसका स्क्वायर करना है, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, ई आउट जो है हम बोल सकते हैं, इसको सोल्व करते हैं, देखो ये 10⁻9, 10⁻⁶ कितना हो जाएगा, 10⁻³ हो जाएगा, डिवाइड 15 का स्क्वायर करोगे तो 225 आएगा। तो एक काम करते हैं, इसको 15 × 15 लिख लेते हैं एक बार, तो 10⁻²² का स्क्वायर 10⁻⁴, इसको सोल्व करते हैं, 10⁻⁴ न्यूमिरेटर से डिनोमिनेटर से न्यूमिरेटर में जाएगा तो क्या होगा, प्लस का 4 हो जाएगा पावर, और 10⁻³ पहले से, तो कितना हो जाएगा, 10⁻⁷ हो जाएगा, समझना इस चीज़ को। डिवाइड में क्या रहेगा, 15 × 15 रहेगा, ऊपर क्या है 9 है, ठीक। स्कोर इसको हमने अरेंज करके ये लिख लिया। अब देखो यहाँ से 3 × 3 = 9, 3 × 5 = 15, फिर 3 × 1 = 3 और 3 × 5 = 15, डिवाइड में क्या रह गया, 5 × 5 = 25 हो गया। अब इसको अगर हम ऐसे अरेंज करके लिख लें, यहाँ लिख लेते हम E out equals to 100 × 10⁵, 10⁷ को हमने यहाँ पे 100 × 10⁵ लिख लिया है, और 5 × 5 = 25, इसको डिवाइड करेंगे तो ये 4 हो जाएगा। तो E out बाहर की तरफ जो है वो क्या हो गया हमारे पास, इलेक्ट्रिक फील्ड 4 × 10⁵ न्यूटन पर कूलम, ये हमारा फोर्थ पार्ट का आंसर है। तो नेक्स्ट हमारा जो एग्जांपल है वो है एग्जांपल नंबर 2.15। इसमें आपको गिवन है स्फीयर ऑफ डायामीटर 10 cm, स्फीयर का डायामीटर हमको गिवन है 10 cm, इज यूनिफॉर्मली चार्ज्ड, इसको हमने यूनिफॉर्मली चार्ज किया है, सो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड एट इट्स सरफेस इज 5 × 10⁵ वोल्ट पर मीटर। इसके सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमको गिवन है यहाँ पे, कैलकुलेट द फोर्स ऑन है 5 × 10⁻²⁔ μC चार्ज सिचुएटेड एट अ डिस्टेंस ऑफ 25 cm फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्फेयर। हमको क्या गिवन है यहाँ पे कि एक स्फेयर है, उसका डायामीटर दे रखा है, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है, इसके सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो है 5 × 10⁵ वोल्ट पर मीटर। इसके अलावा हमसे पूछा है कि फोर्स फाइंड करना है, और फोर्स के लिए चार्ज दे रखा है इस चार्ज पे, चार्ज कितना है 5 × 10⁻²⁴ चार्ज पे फोर्स फाइंड करना है, और इसकी जो सिचुएशन है, इसकी जो लोकेशन है वो क्या है, ये सेंटर से 25 cm डिस्टेंस पे लाई कर रहा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखो पहली चीज़ हम बात करें यहाँ पे कि सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है। तो ई सरफेस क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है 1/4 πε0 क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। कैपिटल आर क्या है यहाँ पे, रेडियस ऑफ स्फेयर, और सरफेस के लिए हम यही फॉर्मूला लगाते हैं। और ये वाला जो पॉइंट है 25 cm डिस्टेंस पे, ये कहाँ है, ये जो पॉइंट है ये आउटसाइड द स्फेयर है। तो ई आउट के लिए क्या होगा, बाहर जो होगा उसके लिए, उसके लिए होता 1/4 πε0 क्यू अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर। अगर हम इसको कंसीडर कर ले इक्वेशन नंबर 1 और इसको कंसीडर कर ले इक्वेशन नंबर 2, तो यहाँ पे ई सरफेस हमको दे रखा है, ई आउट हमारे पास यहाँ पे नहीं है, और ई आउट नहीं है तो क्या करेंगे, ई आउट निकालना पड़ेगा। वैसे एक्चुअल में पूछा क्या, फोर्स पूछा है, और फोर्स के लिए देखो फॉर्मूला क्या होता है, एफ इक्वल्स टू क्यू ई होता है, ये फॉर्मूला होता है।
तो जहाँ पॉइंट लाई कर रहा है वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी है वो हमको पता होना चाहिए। तो उसी के लिए हम क्या कर रहे हैं, ई आउट निकाल रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो, अगर डिवाइड करते हैं इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाई 1, तो ई आउट अपॉन ई सरफेस इक्वल्स टू, जब इसको डिवाइड करेंगे तो 1/4πε0 नोट जो है वो कैंसिल हो जाएगा, क्यू भी कैंसिल हो जाएगा, रिमेनिंग जो पार्ट है मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ उसको, वो हो जाएगा कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ से अगर हम इसको और सॉल्व करें तो देखो, हमको पहले ई आउट निकालना है, तो इस ई सरफेस को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ई आउट इक्वल्स टू हो जाएगा कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर इंटू ई सरफेस, ठीक है। तो वैल्यूज पुट कर देते हैं यहाँ पे, कैपिटल आर रेडियस ऑफ स्फीयर कितना है, डायमीटर 10 सेंटीमीटर, तो रेडियस हाफ हो जाएगी 5 सेंटीमीटर, 5 इसका स्क्वायर, स्मॉल आर क्या है, डिस्टेंस है पॉइंट की, तो वो कितनी है 25 सेंटीमीटर, तो उसको हमने लिख दिया 25। अब यहाँ पे देखो मीटर में चेंज नहीं किया क्योंकि दोनों जगह ऊपर भी नीचे भी दोनों जगह सेम क्वांटिटी है, सेम तो कैंसिल हो जाएगा, इसलिए हमने यहाँ पे यूनिट को चेंज नहीं किया। ई सरफेस कितना है, ई सरफेस है 5 × 10⁵ वोल्ट पर मीटर। तो यहाँ से हम ई आउट अगर निकालते हैं तो देखो 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, डिवाइड बाई 25 का स्क्वायर है, तो 25 × 25 × 5 × 10⁵, ठीक है। ये कैंसिल, 5 × 5 × 5 × 5 × 25, तो ई आउट हमारे पास कितना आ गया देख सकते हो, 10⁵ को अगर हम लिखे 10⁴ × 10, तो 10/5 कितना होगा, 2 × 10⁴। और यूनिट की बात करें यहाँ पे, तो यूनिट क्या होगी, न्यूटन पर कूलाम होता है, इसके अलावा और दूसरी यूनिट की बात करें तो वोल्ट पर मीटर, तो वोल्ट पर मीटर में भी लिख सकते हो इसको। ये हमारे पास क्या आ गया, ई आउट आ गया, ठीक है। अब आगे जो है हमको फाइंड क्या करना है, फोर्स फाइंड करना है, तो फोर्स फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, एफ इक्वल्स टू क्यू ई का फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। तो चलते हैं आगे, इसमें आगे जो है फोर्स की बात करते हैं, एफ इक्वल्स टू क्यू ई, तो फोर्स ऑन चार्ज 5 × 10⁻²⁺ माइक्रो कूलम, क्यों दे रखा है हमको यहाँ पे, तो 5 × 10⁻²⁺ माइक्रो कूलम को चेंज करेंगे तो ये माइक्रो का क्या हो जाएगा, यहाँ पे 10⁻⁶ हो जाएगा, क्यू इंटू ई, ई यहाँ पे क्या होगा, जिस पॉइंट पे क्यू चार्ज जो है वो लाई कर रहा है वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और वो हमने यहाँ पे फाइंड कर ली ई आउट, ये कितना वैल्यू है, ये दे रखा है आपको 2 × 10⁴। इसको सोल्व करते हैं, सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 5 × 10, ये 10⁻², 10⁻⁶, 10⁻⁸ हो जाएगा, देखो यहाँ पे 10⁻⁸, 5 × 10, 10⁴, तो 10⁵, फाइनली इसको सोल्व कर दे तो क्या आएगा, 10⁻³। और फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन, तो ये आ गया फोर्स ऑन चार्ज, पॉज करके नोट करो, अगला जो एग्जांपल है वो है एग्जांपल नंबर 2.16। इस एग्जांपल में देखो क्या गिवन है, अ चार्ज ऑफ 0.5 माइक्रो कूलम इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ओवर ए नॉन कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट, फर्स्ट पार्ट है एट द सेंटर ऑफ स्फीयर, बी पार्ट जो है वो है 8 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर, सी पार्ट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर एंड डी पार्ट 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर इन एयर। क्वेश्चन में हमको एक नॉन कंडक्टिंग स्फीयर गिवन है जो 0.5 माइक्रो कूलम चार्ज से यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है, और इसमें हमको चार पार्ट दे रखे हैं, चार अलग अलग पॉइंट पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है। तो देखो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं, फर्स्ट पार्ट का मतलब यहाँ पे दे रखा है एट द सेंटर ऑफ स्फीयर,
सेंटर पे है पॉइंट, इसका मतलब स्मॉल आर क्या हो गया, जीरो हो गया। कैपिटल आर जो रेडियस होती है वो यहाँ पे हमको गिवन है कितना, 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो जो सेंटर पॉइंट है वो कहाँ है, इनसाइड द स्फीयर। और ई इनसाइड के लिए अगर हम बात करें तो क्या होता है, ई इनसाइड के लिए ई इन जो फॉर्मूला होता है वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। देखो वो फॉर्मूला होता है क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, डिवाइड में जो आता है वो आता है कैपिटल आर क्यूब, और यहाँ मल्टीप्लाई में आता है स्मॉल आर, ठीक है ना, ई इन। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये वैल्यू तो कांस्टेंट हो गई, वेरी काम कर रहा है स्मॉल आर, यानी कि पॉइंट की जो डिस्टेंस है सेंटर से वो, और डिस्टेंस जो है वो क्या है, ज़ीरो है। तो ई सेंटर क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा, ठीक। ई सेंटर क्या हो जाएगा, क्योंकि सेंटर पॉइंट जो है इनसाइड द नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है। बी पार्ट की बात करते हैं, बी पार्ट क्या है, 8 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर, तो स्मॉल आर कितना है, 8 सेंटीमीटर स्मॉल आर है। रेडियस हमको यहाँ पे गिवन है 10 सेंटीमीटर। अगर हम यहाँ पे वैल्यू पुट करें तो ये जो फॉर्मूला हमने लिखा है यहाँ पे, इस फॉर्मूले में पुट कर सकते हैं, ई इन क्या होगा, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब इंटू स्मॉल आर, तो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसकी वैल्यू तो एयर के लिए क्या हो जाएगी, 9 × 10⁻⁹ हो जाएगी। क्यू चार्ज है, चार्ज कितना गिवन है, 0.5 माइक्रो कूलम, तो इसको माइक्रो को चेंज करेंगे तो 10⁻⁶ हो जाएगा यहाँ पर। इंटू स्मॉल आर क्या है, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द सेंटर, 8 सेंटीमीटर दे रखा, देखो यहाँ पे सेंटीमीटर में दे रखा, तो इसको हम मीटर में चेंज कर दें, 10⁻²⁺ मीटर हो जाएगा इंटू में, और 4 पाई एप्सिलॉन, ये तो हो गया आर क्यूब, कैपिटल आर क्यूब, कैपिटल आर क्या है, रेडियस है, रेडियस 10 सेंटीमीटर, इसको अगर हम चेंज करें मीटर में तो 10⁻²⁺ से मल्टीप्लाई करेंगे और इसका क्यूब हो जाएगा, ठीक है। अब आगे हमको क्या करना चाहिए बताओ, इसको सोल्व करते हैं। तो सोल्व करेंगे तो देखो हम लिख सकते हैं इसको ई इन इक्वल्स टू 9 × 10⁻⁰² हो जाएगा, 10⁻², 10⁻⁶, 10⁻⁸ हो जाएगा, 10⁻⁹ है, 10⁻⁹ हो जाएगा, यानी 10 रह जाएगा, 10 × 0.5 हो जाएगा, वो 5 हो जाएगा, तो 9 × 8 = 72 × 5 डिवाइड में 10 × 10⁻² का मतलब होगा 10⁻¹, और इसका क्यूब तो 10⁻³, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू आ गई ई इन जो है सेकंड पार्ट, इसको क्या करें, डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर में लेके जाएंगे तो पावर का साइन प्लस हो जाएगा, 10³ हो जाएगा, इसको और मल्टीप्लाई करते हैं, 5 × 2 = 10 और 5 × 7 = 35, तो 360 × 10³ हो जाएगा। इसको हम और सॉल्व करें तो हम लिख सकते हैं इसको 3.6, देखो पॉइंट यहाँ लगा दिया तो 2 डेसिमल के बाद में, मतलब 2 यहाँ पे प्लेस के बाद में डेसिमल लगा रहे हैं, तो 3.6 यानी 10²² मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 10³, 10²², 10⁵ हो जाएगा। इसको हम या तो वोल्ट पर मीटर लिखें या फिर न्यूटन पर कूलोम, यूनिट जो होती है वो दोनों हम लगा सकते हैं आप, ठीक है। तो ये आ गया सेकेंड पार्ट का आंसर, आप इसको पॉज करके नोट करो। अब हम चलते हैं आगे थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट क्या है, 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर, और सेंटर से 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस है, रेडियस भी 10 सेंटीमीटर है स्फीयर की, इसका मतलब जो पॉइंट है वो कहाँ लाई कर रहा है, सरफेस पे लाई कर रहा है। तो सी पार्ट की बात करें तो स्मॉल आर 10 सेंटीमीटर, रेडियस भी 10 सेंटीमीटर, इट मीन्स पॉइंट जो है ऑन द सरफेस है। तो ई सरफेस क्या होगा, तो ई सरफेस चाहे से वो कंडक्टिंग स्फीयर हो, चाहे से वो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर हो, चाहे से वो स्फेरिकल सेल हो, सबके लिए एक ही वैल्यू होती है, वो क्या होती है, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करो, देखो इसकी वैल्यू एयर के लिए क्या होगी, 9 × 10⁹, क्यू चार्ज है 0.5 माइक्रो कूलम है, 0.5 माइक्रो को चेंज करते हैं, 10⁻⁶ हो जाएगा। आगे क्या होगा, रेडियस का स्क्वायर करोगे, रेडियस कितनी है, 10 सेंटीमीटर है, 10 × सेंटीमीटर का मतलब मीटर में चेंज करेंगे तो 10⁻²² का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। अब क्या रह गया यहाँ पे,
टेन टू पावर नाइन, टेन टू पावर माइनस सिक्स, टेन टू पावर थ्री हो जाएगा, और ये टेन नाइन टू फोर पॉइंट फाइव, फोर पॉइंट फाइव हो जाएगा, टेन टू पावर थ्री हो जाएगा, डिवाइड में ये टेन टू पावर सोल्व करेंगे तो टेन टू पावर माइनस थ्री, ये ई सरफेस आ गया है, और सोल्व करोगे तो ई सरफेस कितना आएगा बताओ, फोर पॉइंट फाइव इंटू टेन टू पावर सिक्स वोल्ट पर मीटर, ये आ गया हमारे पास सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको नोट करो, आगे हम चलते हैं यहाँ पे डी पार्ट में, इन लास्ट पार्ट 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर, पॉइंट जो है वो कहाँ लाई कर रहा है, सेंटर से 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे, तो उसके लिए क्या होगा बताओ। तो डी पार्ट के लिए हम बात करें तो स्मॉल आर दे रखा है 20 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ स्फीयर जो है वो 10 सेंटीमीटर है, यहाँ पे हम देख सकते हैं स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर, इट मीन्स पॉइंट कहाँ है, आउटसाइड द स्फीयर, तो ई आउट क्या होगा बताओ, ई आउट आप अगर देखो फॉर्मूला तो वो क्या होता है, क्यू अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये इनटू में क्या आएगा, डिवाइड में अपॉन में जो है स्मॉल आर स्क्वायर आएगा, वैल्यूज पुट करते हैं हम यहाँ पे, ई आउट क्या आएगा बताओ, तो क्यू की वैल्यू 0.5 माइक्रो कूलम है, 0.5 इंटू टेन टू पावर माइनस सिक्स हो जाएगा, 1/4 πε0 क्या है, 9 इंटू टेन टू पावर 9 है, ठीक है, डिवाइड में स्मॉल आर, स्मॉल आर कितना 20 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो माइनस टू से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इसका स्क्वायर करना है, सोल्व करो इसको तो ई आउट कितना आएगा बताओ, ये वैल्यू ऊपर वाला जो है 9 इंटू 0.5, 4.5 इंटू टेन टू पावर 3 हो जाएगा, डिवाइड में जो 20 का स्क्वायर 400 इंटू टेन टू पावर माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 4 हो जाएगा। अब आगे क्या कर सकते हैं हम इसमें, 10 टू पावर माइनस 4 को न्यूमरेटर में लेके जाते हैं तो 4.5 इंटू टेन टू पावर 3 इंटू टेन टू पावर 4 हो जाएगा, डिवाइड में क्या है 400 है, तो देखो 100 को डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 10 टू पावर 3 अपॉन 10 टू पावर 2, 10 टू पावर 1 रह जाएगा, तो ई आउट कितना हो जाएगा 4.5 इंटू 10 इंटू टेन टू पावर 4 अपॉन 4, 4 को डिवाइड करना है तो कैसे डिवाइड करोगे, इसको यहाँ लिख लेते हैं 4.5 इंटू 10, इसके साथ एक जीरो और ले लेते हैं और ये 10 टू पावर 3 हो जाएगा, ठीक है, डिवाइड में 4 है इसको 25 हो जाएगा, 25 को 4.5 से मल्टीप्लाई कर दो, ई आउट आपके पास आ जाएगा, ये कितना आएगा 25 इंटू 5 125, 25 इंटू 4 100 प्लस 12 112 पॉइंट आएगा यहाँ पे इंटू 10 टू पावर 3 है, और ज़्यादा सोल्व करोगे तो पॉइंट को हम यहाँ पे डेसिमल को यहाँ 1 पॉइंट करेंगे तो 1.125 इंटू 10 टू पावर 5 वोल्ट पर मीटर, ये हमारे पास आ गया लास्ट पार्ट का आंसर। तो आज के जो एग्जांपल्स है ये कंप्लीट हुए, नेक्स्ट हम अगले टॉपिक को स्टार्ट करेंगे, तब थैंक यू।